रजौरी की तरफ आ रही थी, और इसमें चार पांच जो बताया अभी जो बता रहे हैं कि पांच स्टूडेंट थे, पांच थे। तो वैसे जो पहले हम लोग आए उस टाइम बताया कि चार ही है इसमें, एक जो है उसकी जाके हॉस्पिटल में डेथ हो गई है, वो कोई हजान का बता रहे लड़का। तो बाकी एक जो बाइक वाला जो ऊपर से जब गाड़ी आई है तो ये गाड़ी अनबैलेंस हुई है या ब्रेक फेल हुआ था, भगवान ही जाने क्या हुआ। तो ये एक दरख्त के साथ लगी है, दरख्त के लगने के साथ उसके बाद बाइक वाला नीचे से आ रहा था, बाइक वाले को लगी है, तो बाइक वाले की भी हालत जो है काफ़ी ख़राब है, वो अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रजौरी में है। लिहाजा बाकी जो रोड की यहाँ हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये जब यहाँ स्लाइडिंग हुई है तब भी 110 आरपीसी उन्होंने आके थोड़ी सी स्लाइडिंग यहाँ से हटाई है, बाकी जो कोई काम उसके बाद इन्होंने किया नहीं। सिंगल रोड है यहाँ, कंस्ट्रक्टेड रोड, मतलब हादसा का यहाँ मूवमेंट जारी रहता है। यहाँ साथ में जो एक मिनी मार्ट बनाया हुआ हमारे सरपंच साहब है यहाँ नगरोटा सालदार के, उनका है, तो वो भी यहाँ शॉप में ही रहते हैं 24 घंटे, आप आगे पीछे कम ही जाते हैं। तो लिहाजा डीसी साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि 110 आरसीसी वालों को बुला के ये मलबा जो यहाँ से हटाया जाए, लिहाजा यहाँ से जो पानी ऊपर से पलमा से लेके जितना भी पानी यहाँ नीचे को जाता है, नीचे मकानों के अंदर जाता है, हमारी दुकानें हैं, दुकानों का नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो कोई भी इस चीज़ को देखता ही नहीं है। जो रोड में मलबा पड़ा हुआ वैसे का वैसे जितनी ये अभी जितनी रोड आपको दिखाई दे रही है, आप अपने कैमरा मैन को बोलना एक बार सारी स्लाइडिंग दिखाएंगे, ये बारिश से मिट्टी जो है नीचे गई है, इतनी नहीं थी, ये बिल्कुल कम थी। हमने देखा, आज सुबह एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ यहाँ पे, एक बच्चे की जान चली गई है, दो बच्चे जो बहुत सीरियस हैं, मतलब 6 के 6 जो है बहुत ज़्यादा सीरियस हैं वो। तो अभी कोई और हादसा ना हो इस वजह से ये जो रोड है इस रोड पर ठीक किया जाए। तो डीसी साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि 110 आरसीसी वालों को बोल के इस रोड को ठीक किया जाए, लिहाजा कोई भी हादसा जो आने वाला टाइम है